हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया टू बी इलेक्टेड एज द टेम्पररी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 8th टाइम, व्हाट विल बी अचीव्ड बाय दिस, यानी भारत के सुरक्षा परिषद में चुने जाने का मतलब क्या है, इससे भारत को क्या हासिल होगा। इसमें जो मेनली डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड इलेक्शन प्रोसीजर एंड कंटेस्टेड कंट्रीज, और भारत के सुरक्षा परिषद में चुने जाने का मतलब क्या है, इससे भारत को क्या हासिल होगा, और इसके साथ ही साथ भारत यूएनसी में अपने इस कार्यकाल का इस्तेमाल अपनी परमानेंट मेंबरशिप की मुहिम में तेजी लाने के लिए कर सकता है, और लास्ट में हम इसके कंक्लूजन करेंगे। बुधवार रात भारत बिना किसी विरोध के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर 27 सदस्य चुना गया। बैलेट पेपर के जरिए हुए वोटिंग में भारत को मौके पर उपस्थित सभी 192 वोटों में से 184 वोट मिले। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को महासभा के 75वें स्तर के अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्य और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के लिए कोविड-19 के चलते विशेष प्रबंधों के तहत चुनाव कराया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से बात की जानकारी देते हुए लिखा है कि सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 तक के लिए UNC का अस्थायी सदस्य चुना है। भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं। बता दूं, भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के लिए मात्र 128 वोट चाहिए था। हालांकि भारत को पहले से ही उम्मीद थी कि बुधवार को सुरक्षा परिषद चुनाव में उसे आसानी से जीत मिल जाएगी, जो उसे 2021-22 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र उच्च तालिका में लाएगा। भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया और आज 8वीं बार चुना गया। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से गैर स्थायी सदस्य सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। UN हेडक्वार्टर कोरोना महामारी की वजह से 15 मार्च से ही बंद था। आज यहां पर तीन चुनाव कराए गए। सभी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले प्रेसिडेंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर अस्थायी देशों और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए वोट किया। इसके साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली 15 स्थायी सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया। सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार वाले 5 बड़े देश, जिनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के अलावा 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। गौरतलब है कि भारत की उम्मीदवारी का पिछले साल जून में एशिया प्रशांत ग्रुपिंग के 55 मेंबर्स ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था। पहले अफगानिस्तान भी इस सीट के लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन भारत के कहने पर उसने अपना नाम वापस ले लिया। भारत का समर्थन करने वाले APG के देशों में चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे। इससे पहले भारत 1950 से 51, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992 और हाल ही में 2011 से 12 तक, और जो अभी 8वां जो कार्यकाल है वो 2021 से 22 तक रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट एंड इलेक्शन प्रोसीजर, यानी जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है, और साथ ही साथ इलेक्शन का जो क्या प्रोसीजर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 10 गैर स्थायी सीटें क्षेत्रीय आधार पर वितरित की जाती है, जिसमें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए 5, पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए 1, लेटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के लिए 2 और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट निर्धारित की गई हैं। साथ ही साथ इलेक्शन, संयुक्त राष्ट्र UN के सबसे शक्तिशाली संगठन यानी UNC में किसी भी समय पर 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 सदस्य जो परमानेंट है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। वहीं 10 सदस्य गैर सदस्य होते हैं। उनका चुनाव 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। हर साल 5 गैर स्थायी सीटों के लिए चुनाव होता है और देशों के चुनाव उनके क्षेत्र के हिसाब से किया जाता है, ताकि UNC में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रहे। अब वर्तमान में जो 5 जो सीटों पर मैदान में किन किन देशों ने कंटेस्ट किया था, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस साल जिन 5 सीटों पर गैर अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव होना था, उनमें
एशिया पैसिफिक समूह की सीटों के लिए भारतीय निर्विरोध यानी अनपोज प्रत्याशी था। इसी तरह लैटिन अमेरिका और कैरिबियन समूह की सीटों के लिए मेक्सिको एकमात्र प्रत्याशी था। पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह की दो सीटों के लिए कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे मैदान में उतरे। इसी तरह अफ्रीका समूह की एक सीट के लिए केन्या और जिबोती मैदान में उतरे। नेक्स्ट है, क्या इससे सुरक्षा परिषद की 27 सीट पर भारत का दावा मजबूत होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कहा जा सकता है कि, लेकिन इससे ये जाहिर है कि सुरक्षा परिषद में भारत को एक खास नज़र से देखा जाता है। दुनिया भर के देशों उसकी ताकत और अहमियत पर विश्वास जाहिर करते हैं। बहुत कम देश ऐसे हैं जो इतनी बार सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। निश्चित तौर पर इतनी ज़्यादा बार गैर स्थायी सदस्य बनकर भारत परमानेंट सीट के लिए भी अपना दावा और मजबूत ही कर रहा है। नेक्स्ट है, क्या इससे देश का रुतबा बढ़ता है? निश्चित तौर पर जो सदस्य गैर स्थायी सदस्य बनते हैं उन्हें एक खास नज़र से देखा जाता है। सुरक्षा परिषद की अहम बैठकों में वो स्थायी सदस्य के साथ शिरकत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन हर साल के लिए 10 गैर स्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में लिए जाने वाले फैसले में इन अस्थायी सदस्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक खास ये भी होती है कि स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से एक महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या अस्थायी सदस्य अपने मामलों को ज़्यादा असरदार तरीके से उठा पाते हैं? अस्थायी सदस्य अपने मामलों को कहीं ज़्यादा असरदार तरीके से उठा सकते हैं। तमाम मुद्दों पर वोटिंग प्रक्रिया जब केवल सुरक्षा परिषद में होती है तो अस्थायी सदस्य देशों की भूमिका भी अहम होती है। उन्हें चुनने का उद्देश्य भी सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। कई देशों तो सालों से वोट पाने के लिए मशक्कत करते रहते हैं। भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 8वीं बार चुने जाने के बाद अमेरिका ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम भारत का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के सफल चुनाव के लिए बधाई देते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी का एक स्वाभाविक विस्तार है। इसी दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्विक स्वास्थ्य संगठन तक बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार की मांग की है और अन्य समावेशी नेतृत्व के लिए तर्क देते हुए उन्हें अपनी स्थापना के समय से बेहतर बदली हुई वैश्विक वास्तविकता का प्रतिनिधि करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने चुनाव के तुरंत बाद एक वीडियो रिकॉर्ड संदेश में कहा है, हमें जबरदस्त समर्थन मिला है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने भारत को जबरदस्त विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि COVID-19 के बाद भारत सुधारवादी बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नेतृत्व और एक नया उन्मुखीकरण प्रदान करता रहेगा। नई दिल्ली में घंटों के बाद जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने एक सुधारवादी बहुपक्षीय प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता का वर्णन किया जो भारत की लंबे समय से चले आ रहे महत्वाकांक्षा और परिषद पर एक स्थायी सीट की मांग को दर्शाता है, जिसका वर्णन भारत और देशों द्वारा किया गया है। साझा उद्देश्य के लिए वैश्विक वास्तविकताओं में परिवर्तन के साथ एक निकाय पूरी तरह से कार्य के रूप में कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारत को नॉर्म्स की ओवररीचिंग थीम के तहत 5 प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित किया जाएगा। एक बहुपक्षीय प्रणाली के लिए नई अभिविन्यास, मंत्रालय ने बयान में कहा है, वे प्रगति के लिए नए अवसर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए भी प्रभावी प्रतिक्रिया सुधार करेंगे। बहुपक्षीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण और एक मानव स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी का कार्य होगा। इसमें कहा गया, मौजूदा संकट भारत को सुरक्षा परिषद के काम में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्रदान करता है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सुधारित बहुपक्षवाद के लिए निर्देशित है। भारत एक सुधारित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट के लिए अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपने 8वें कार्यकाल का उपयोग करने की उम्मीद करता है। कुछ ऐसा हो जो वह वर्षों से अन्य दावेदारी जैसे कि जापान, जर्मनी, ब्राज़ील G4 के साथ जोर दे रहा है। वर्तमान विदेश मंत्री जे
शंकर ने कहा, समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुपक्षीयता भारत की प्राथमिकताओं में से एक होगी। 5 जून को भारत की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त दस्तावेज भी जारी किया है। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भयंकर परिणाम के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में 1945 में संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को वॉर की विभीषिका से बचाना था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को विशेष रूप से विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 1946 में हुई थी। भारत भी संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक देश है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जिनमें पर्यावरण, आतंकवाद, शांति सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 7 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है और 8वां जो कार्यकाल है 2021 से 22 तक रहेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अपने इस कार्यकाल का इस्तेमाल अपनी स्थायी सदस्य की मुहिम में तेजी करने के लिए कर सकता है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले काफ़ी समय से यूएनसी में सुधार और अन्य देशों को स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें दुनिया का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। आपको बता दूं, यूएनसी के स्थायी सदस्य के पास कई अहम शक्तियां होती हैं, जिनमें सबसे अहम किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। भारत अपनी स्थायी सदस्यता के लिए कूटनीतिक प्रयास करता रहा है। पिछले कई वर्षों से सुरक्षा परिषद में सुधार, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया में, यह 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्षेत्र से लेकर पीस कीपिंग अभियानों तक भारत ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों और नीति निर्माण में एक अहम भूमिका निभाने में सक्षम है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। भारत की उभरती महाशक्ति की छवि को बढ़ावा मिलेगा। इससे पीओके और बलूचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान पर मजबूत पकड़ बनाने में सक्षम होगा, देश के सामाजिक आर्थिक विकास करने में सक्षम होगा, और साथ ही साथ भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए कई तरह के चैलेंजेस हैं जिसको हम जानेंगे। यूएनसी की संरचना में किसी बदलाव के लिए एक संशोधन की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसका समर्थन किया गया है। भारत को यूएनओ का परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए यूएनओ के जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र के भीतर दबाव समूह है, जैसे वीटो पावर के साथ सर्वसम्मति यूएफसी के लिए एकजुट होना। हालांकि अमेरिका भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करता है, ये वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है। भारत के परमानेंटशिप मेंबर प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कंट्री चीन है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप प्राप्त हो। भारत को प्रतिनिधि मिलने पर चीन पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शन या लगाम लग सकती है, क्योंकि उसकी जो भी विस्तारवादी आकांक्षा को भारत यूएनओ के मन से उठाकर उसके जितने भी मंसूबे हैं उसको धूमिल कर सकता है। दूसरी ओर भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। भारत अभी भी बहुत पीछे है विभिन्न वैश्विक सूचकांक, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक आदि। वर्तमान में भारत को चाहिए कि ये जो 5 परमानेंट मेंबरशिप कंट्री है इनके साथ अच्छे संबंध बनाए। इसके साथ साथ भारत को आर्थिक सामाजिक स्थिति व ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक आदि में गुणात्मक सुधार करना होगा। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ द दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को इसे प्रेस करना ना भूलें।